जैसे आप सिस्टम में पेन ड्राइव को लगाती है ना, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसके अनुने लगती है मैम। अब इसमें डाटा बहुत ज्यादा है इस पेन ड्राइव में, तो ये देर में स्कैन करेगी, कम होता है, कम वायरस वाला होता है, कम जल्दी कर देती है स्कैन। अगर आपका ये ऑटोमेटिक स्कैन नहीं हो रही है पेन ड्राइव, फिर आप क्या करती हैं, जिस पीसी को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपकी पेन ड्राइव आ रही है, आप उस पर राइट क्लिक करके स्कैन कर देंगे इसको और इसको यस कर देंगे। नहीं डाटा थोड़ी ना जाता है। इसमें अपन देखते हैं शायद कुछ हो अंदर वीडियो वगैरह। क्या? हाँ बिल्कुल, ये पेन ड्राइव में बहुत ज्यादा डेटा है जिससे कि इसने ओपन नहीं किया बल्कि क्लोज कर दिया। एक बार देखिए इस टाइप से आ रहा। अब आपकी वीडियो जहां कहीं भी होंगी ना, तो आप यहां से सेलेक्ट करेंगे इस फोल्डर को, जैसे कि इसमें है क्या, इस पर डबल क्लिक करेंगे। प्ले होने लगी। देखो ये एमएस वर्ड की ही वीडियो, इसको हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं विंडो को, तो आपको दिखाई देगा प्ले हो रही है ये वीडियो। देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है, बढ़ रही है आगे की साइड। अब वो क्या है, एमएस वर्ड की वीडियो है इसमें, इसीलिए ब्लैंक नहीं है, ये पढ़ाने की वीडियो है। देखिए 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 ब्लैंक नहीं है, हाँ रिकॉर्डिंग बनाई गई है इसकी, तो वो वीडियो है ये। इसमें साउंड अभी है नहीं है, तो आपको ये साउंड दे नहीं रहा है, इसलिए देखिए आ गई, चल रही ना, दिख रही है। पहले थोड़ा आपकी आंखों में कुछ लगा हुआ होगा इसलिए। चलिए क्लोज कर दें। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, लोकेशन सेलेक्ट करके आपकी वीडियो ऑडियो जो भी रखनी है प्ले कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछिए, नेक्स्ट पॉइंट पूछना है कुछ आगे बता दें। अब आती है आपकी पेंटिंग करना, तो सबसे हाँ वो आप बनाते हैं जहां से हमने हार्ट एक्सटेंट चेक करना बताया था वहां से। तो सबसे पहले तो आप डिस पीसी पर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, मैंने इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ये डिस्क मैनेजमेंट वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। लगता क्या? है वगैरह अरे वो हमने प्रॉपर्टीज से बताया था, प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस टाइप से आपके ड्राइव्स आ रही हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पार्टीशन करना है। तो जिस भी ड्राइव, जैसे कि इसमें कितनी है, 175 है, इसमें से आपको एक और वो बनानी है, तो आप इस पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है श्रिंक वैल्यू, इस टाइप से आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एमबी में लिखना पड़ता है, जैसे कि 1024 MB में 1 KB होता है, तो आपको कितने जीबी, सॉरी जीबी होता है, हाँ 1 GB होता है, 1024 MB में 1 GB होता है, तो कितनी जीबी की आपको पार्टीशन करना है। जैसे 5 GB का करना है, तो 1024 में इंटू 5 कर देंगे, तो वो आपको एमबी में दे देगा, तो यहाँ पे आप एमबी में लिख देंगे, ठीक है, जो बता रहा है आपको यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप यहाँ पे श्रृंक कर देंगे, फिर वो कुछ पूछेगा, नेक्स्ट एक्सेप्ट करते जाएंगे, और वो नाम के लिए भी बोल देगा कि आपको क्या नाम देना है, तो वहां से आप कर देंगे, तो वो उसमें बन जाएगी। पर हम बना के नहीं बता रहे, ऑलरेडी बहुत सारी है ना ही, नीचे आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे नहीं। और इसमें ऐसा रहता है, जब आप इसको बना देते हैं, जैसे रैंक वैल्यू कर दिया आपने, नेक्स्ट कर दी, नेक्स्ट कर दी, तो उसका पार्टीशन हो जाएगा, तो उसका पार्टीशन तो हो गया, लेकिन जब तक आप उसे नाम नहीं देंगे ना, तब तक आप उसका पार्टीशन वापस कर सकते हैं जिस ड्राइव से लिया है। जैसे आप उसको नाम दे देते हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता, मतलब दे दिया ऐसा रहता है।
देखिए जैसे कि अपन यहाँ पे कितना कर दें, हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, पहले उसका नाम हटाना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 GB की कर देते हैं, श्रिंक करेंगे। तो देखिए आ गई है यहाँ पे। अब आप इस पर राइट क्लिक करके इसे क्या करते हैं, न्यू सैंपल वैल्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो इसे नाम दे देते हैं, जैसे ये है ना जी है, ये एफ है, नाम दे सकते हैं, नहीं देना तो वापस आपको इसी में करना है मिक्स। तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इन सभी में नहीं आएगा। अरे यार आए इसमें, हाँ जब तक पार्टीशन नहीं है तब तक वो ले लेगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे, फिनिश कर देंगे तो उसी में मिक्स हो जाएगा, पर आप लोग नहीं करेंगे नीचे, ओके। और अगर करेंगे तो वो टीचर की निगरानी में करेंगे, मतलब आप उन्हें बुला के सामने खड़ा करेंगे फिर करेंगे। तो आ जाएगा आप सभी को। और कुछ पूछना है? इसके बाद आता है आपका पेन। तो सबसे पहले तो आप पेन देखेंगे, यहाँ पे है डेस्कटॉप पर, अगर डेस्कटॉप पे नहीं होता है तो आप विंडो बटन पे क्लिक करेंगे और सर्च बार में सर्च कर लेंगे। नहीं आएगा इसमें, पता है आ गया, देखिए क्यों नहीं आएगा, नहीं क्यों नहीं आता ये पूछिए, हम वो हम आगे क्लास में बताएंगे क्यों नहीं आता, आता नहीं है इसलिए हमें पता है। पर किस कंडीशन में नहीं आता, जब आप इस पर राइट क्लिक करके लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा अपन हाफ विंडो पे कर लेंगे, इस पेन को मूव करके मतलब माउस के क्लिक से दबा के यहाँ पे मूव करेंगे, तो वो कभी कभी सर्च बार में फिर सर्च करके नहीं देता आपको, ऐसा रहता है। पर अपन यहाँ से इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, इस टाइप से आपके सामने एमएस पेन ओपन हो जाएगा। अभी तो आती होगी, छोटे छोटे बच्चों की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेव्स है, सेव्स के आपको जो भी सेव्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, आपको जो भी यहाँ पे सेव्स लेना है आप उस सेव को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जिस भी टाइप का सेव लेना, और यहाँ पे माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। और लेना है आप यहाँ से और भी ले सकते हैं इस टाइप से। इसके बाद यहाँ पे ये टूल्स हैं आपके, अभी आप यहाँ पे होम टैब पर है, ठीक है, फिर ये व्यू है और ये फाइल है आपकी। तो आप यहाँ पे ये टूल्स ऑप्शंस मिलते हैं, टूल्स में आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, पेंसिल वगैरह, ठीक है, इन सब को यूज करना है। तो आप यहाँ से इरेजर सेलेक्ट करेंगे और इसको इरेज कर देंगे। अभी आप देख रहे इरेजर का जो साइज है वो बहुत छोटा आ रहा है, बड़ा कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ इससे होगा कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से छोटा हो जाएगा। अब जैसे कि आपको ये इरेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिलता है जूम इन और जूम आउट, जूम इन कर लेंगे आपको, सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं, आपको यहाँ पर जितना भी जूम इन करना इन कर लेंगे इस टाइप, और फिर आप इसको जूम कर देंगे, इरेज कर देंगे। और यहाँ पे ये 100% कर सकते हैं, यहाँ से ये नॉर्मल, यहाँ पर भी है ये एरिया आपका, ठीक है। और अपन होम टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर क्या नहीं, ये लाइन ले लेते हैं ये वाली। आपने कभी टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का पेड़ देखा है? हाँ ये भी सही बात है, क्या देखिए ये आपकी नॉर्मल है, यहाँ पे है ये लाइन है, ये आपकी सीधी आती है, पर ये नेक्स्ट है ये टेढ़ी क्लियर रहती है, जैसे आपने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे ले लेते हैं एक और इस टाइप से, ठीक है। अब जहां से भी ये तो आपकी सीधी आई है, अभी अब आपको जहां से भी टेढ़ा आड़ा करना है वहां पे माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे और जिस टाइप से करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद अपन इसमें भी इसी टाइप ही कर देते हैं, ये कुछ ज्यादा ही हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कलर फिल करेंगे, तो ये आपकी क्या है, फिल विद कलर, तो यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करने रहेंगे। अगर आपने यहाँ पे ये नीचे बंद नहीं किया इसको, और आप इसमें अगर कलर फिल करेंगे, जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, यही रहता है, आप इस पे कर देंगे तो वो पूरे एरिया में फिल कर देगा, क्यों, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे बंद नहीं किया। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो आप इस लाइन को लेना और यहाँ से आप इसको क्या कर देना, बंद कर देना। अभी इस टाइप की लाइन ले रहा है क्योंकि आपका कलर यहाँ से ये सेलेक्ट है, ब्लैक कर देते हैं हम,